दूसरा महाकुंभ ये केदार खंड में स्कंद पुराण जिसमें सूरज श्रृंगार क्या है महादेव जी ने बताया। ये मैं पढ़ के सुनाने के लिए आदरणीय चंद्रकांत जी से अनुरोध करूंगा कि पहला पढ़ के सुना। धन्यवाद चौधरी। हाँ हाँ क्योंकि थोड़ी सी संस्कृत दृष्ट है हो सकती है कहीं टूटी हो इस पर हो जाए श्रृंगार षोडशास्त्रण महामुने मंजलम चारुत्रीयम जलकम नेत्रव्यंजनम कुंडलम नासिका मुक्ताफलम कुसुम आर्कः केश प्रसादम जय प्रसाद श्रृंगार ये मैं सुना देता हूँ। ये क्षेत्रवा अध्याय है और ये केवल सूरज श्रृंगार के लिए ईश्वर उपाय ईश्वर ने कहा अर्थात बाद में सुनाएंगे। श्रृंगार षोडश है क्या काष्ठ सूक्ष्म महामुने मंजरम चारु चीरम तिलकम नेत्र रंजनम कुंडलम नासिका मुक्ताफलम कुसुम आर्कः केश प्रसादनम जय तथा झंकार नूपुरो अंग अंग चंद्र लेपस्य कंचुकी धातक तथा कांची कंकन तांबुल्य चातुर्य के छोड़ से गीत मानव बच्चे के मला ललिता तथा रेखा टेका हास्य से तथा चे प्रबोध ये इसका अर्थ ये जो सोलह बता रहे हैं महादेव जी ने और फिर महागोविंद ने ये अर्थ महादेव जी बोले सुनो महामुनिराज सोलह श्रृंगार कथित है मंजर विधि पूर्वक स्नान कर तदम उत्तम वस्त्रों का परिधान करना तिलक लगाना और नेत्रों को रंजित करना अर्थात सुरमा लगाना कान में कुंडल पहनना और नासिका में मुक्ता फल जैसा गुलाब या मोती पहनना को धारण करना हार पहनना केशों को संभालना सुधारना तथा नूपुर पहनना शरीर में चंदन का लेप करना कंचुकी धारण करना कांची एकला कंगन तांबूल जादुई और शंकर ये सोलह श्रृंगार हैं। अब तक गीतों के नाम वर्णन करते हैं कमला ललिता रेखा टेका तथा हास्य प्रोधिका और सत्य का महाबली कलह उच्च तथा दशा झुक्य दरिद्रा दरिद्रा जीना प्रोणाग जिना कौमुदी इंद्र समुद्र वैताल ये सोलह श्रृंगार हमने कई बार प्रतियोगिता की पर ये जो पुराणों थे कभी कोई नहीं बता पाया जबकि हम देवी पुत्र पठवा हैं। अब मैं अगर बात करूँ इसी स्कंद पुराण में अन्य खंड में काशी खंड में तो बात आती है सोलह संस्कार की। अगर मैं द्वारिका खंड की बात करूँ तो बात आती है सोलह सोचार की ईश्वर की सोलह विधियों से पूजा की जाती है और ये तीनों को कहने वाले मैं अगर आप कहें तो ये तीनों की मेरे पास सूची है मैं पढ़ के सुना सकता हूँ जिनको चाहिए मैं बाद में दे दूंगा। ये सोलह संस्कार इनको कहने वाला और इनको कराने वाला और काशी खंड मैं एक जानकारी और दे दूँ ये तो मैं केदारखंड की बात कर रहा हूँ काशी खंड में यहाँ आप विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो आप में से उत्तर प्रदेश से कौन है यहाँ अमित जी आप लोग जानते हैं जो ज्ञान वापी मस्जिद जिसके नाम से फेमस है ज्ञान वापी मस्जिद नहीं काशी में
केदारनाथ मंदिर के पास में, वो पटवा समाज का बहुत बड़ा था जिसे हम ज्ञान बात करते हैं। बनारस में जहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर है उसके बराबर से जो आपका जाता है वही ज्ञान बाबू एक दिन होता है ऊपर उसके मंदिर बन आप योगेश जी हैं बरेली से हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं। मैं ये जानकारी इस बीच से देना चाहता हूँ, सरकार को मालूम है, देश के मुसलमानों को मालूम है, माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञान बापी मस्जिद के नीचे और केवल गंगौर पूजन के दिन वो खुला जाता है। एक दिन मस्जिद में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, एक दिन महिलाएं वहां जाती है पूजा करती है। और काशी विश्वनाथ का अर्थात दोनों मंदिर थे आजू बाजू में, आधा ज्ञान बापी मस्जिद के रूप में कब्जे में चला गया, आधा मंदिर चला गया। वहां एक दिन अकेला नहीं, वहां पर एक और शक्ति काशी में जिसे देवपुत्री या सौंदर्यपुत्र ने अपने पति के प्राण किसने वापस लाए थे वो महिला बता सकती है? किस महिला ने अपने पति के प्राण बताइए कि नाम बता पाएंगे? सावित्री को का जो प्रसंग है वो शक्तिपीठ वहाँ है काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में अलग से। कहानियों में जो बताया जाता है कि उन्होंने जमराज से केवल एक बार पूछी थी तो जब मुझे सौंदर्य पुत्र ने विवाह संस्कार के समय अक्षुण्ण करके वरदान दिया था तो उस सौंदर्य पुत्र ढूंढ रहे कि आप ढूंढ रहे और ये मैं नहीं कहता, मेरे एक मित्र हैं यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा है शैतान सिंह पाल, वो हर साल 108 जोड़ों का विवाह कराते हैं भोपाल में और वो हमारे राधे श्याम जी पटवा हैं उनके यहाँ से ये सामग्री खरीदते हैं और उनका ये कहना है कि मुझे 20 साल हो गए जितने जोड़ों की शादी मेरे सम्मेलन में हुई आज तक कोई लड़की विधवा नहीं है। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये अगर हम देवी भागवत पुराण में पढ़ें या इसके तो पुराण के काशी खंड में पढ़े तो कौन देने वाला था? सोच देने वहां से मिलते हम कलयुग तक आ गए। तो ऐसे व्यक्ति जिसके कारण देवताओं की उम्र बढ़ती हो, देवता अपनी पूजा कर सकते हो, हर व्यक्ति सूर्य संस्कार उस गर्भाधान संस्कार से लेकर और जो जन्म के मृत्यु के बाद होने वाले की और संस्कार, क्योंकि जन्म के पहले से और मृत्यु संस्कार 12 संस्कार है उसके बाद 4 संस्कार और होते हैं, उन 16 संस्कारों में जो सामान देता हूँ और आप किसी भी देवता की पूजा कर लीजिए उसके लिए जो 16 उपचार की सामग्री रखती है उसके बिना कभी पूजा नहीं होती, वो देने वाला व्यक्ति अगर खुद अभागा हो कैसे संभव है? ये आप तो बता सकता है कैसे संभव है? मैंने उत्पत्ति आपको बताई, आप जितने पुराणों में जितने उपनिषदों में आप जितने जिन ग्रंथों में जाएंगे अंदर कहीं ना कहीं सौंदर्य पत्रकार किसी ने किसी रूप में आपको वर्णन कर जाएगा। हम जितना गहराई में जाते जाएंगे हमें कहीं ना कहीं वर्णन मिल जाएगा, पर इस बात का वर्णन नहीं है, इस बात का उत्तर हमें उस नंदा देवी का जन्म करें। जब हम बद्रीनाथ के लिए जाते हैं बीच में नौटी करके एक जगह है, मैडम आप उत्तर से उत्तरा करते हैं नौटी में, वहां पर भारत का सबसे बड़ा श्री यंत्र एक श्रीनगर के पास में है
उत्तराखंड जो श्रीनगर से पंजाबी स्टूडेंट है श्री यज्ञ मौजूद है वहां से पूजा करके और वो क्यों होता है कि भगवान का विवाह महादेव जी का विवाह कई विवाह हुए पर गौरी स्वरूप में जब विवाह हुआ तो हिमाचल सुता थी तो एक परंपरा हमारे यहाँ रही है कि जब गांव किसी की बेटी की लड़ाई करते थे तो गांव के बाहर तक जाकर छोड़ते थे जब बराबर का सिस्टम होता था अब आजकल तो परिस्थितियाँ बदल गई गांव के लोग उसमें बाहर तक छोड़ने जाते थे गोली में ले जाते थे और बाहर तक जहाँ तक संभव होता तक छोड़ने जाते थे पर वहाँ के नरेश की बेटी जब महादेव जी के साथ विदा होगी तो गाँव वालों ने कहा ये तो हमारी बेटी है हम अगले गाँव तक छोड़ने चले वहाँ अगले गांव वाले साथ हो गए उन्होंने कहा हरी बेटी है हम और आगे तक चलेंगे तो वो यात्रा चलते 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 कैलाश तक चले तो कैलाश में जाके महादेव जी बोले जब आपका क्षेत्र खत्म हो गया आप लोग काफी जाओ हम मैं आगे और हम लोगों को आप अकेला छोड़ जाने दीजिए तो ऐसी परंपरा हर वर्ष माता जी श्रावण में अपने मायके आते हैं जब वो वापस जाएंगे थी वकील आते थे भोलेनाथ कभी साथ में नहीं आते तो वही परंपरा हर साल होती थी कि वहाँ तक कैलाश तक हम छोड़ने जाते थे तो उन्होंने कहा मेरे वजह से आप सब लोग परेशान हो गए हैं आपका 12 साल में एक बार आओ 12 साल में एक बार आओगी उन्होंने पूछा हमें कैसे मालूम पड़ा कौन से साल में आएंगे हम कब आ रहे हैं तो उन्होंने पूरा इतना बताया वो आज भी परंपरा बहुत मौजूद है जिस साल मुझे आना होगा हिंदुस्तान भरने के राजा को सपना देकर आया ये हकीकत बता रहा हूँ ये आज की स्थिति है आप सुनेंगे तो वैज्ञानिक भी लगभग 200 देशों के वैज्ञानिक 3 यात्राओं में आ चुके हैं और हस्ताव होकर वापस गए कि मैं आऊँगी और शरद पूर्णिमा की रात को मैं सपना करूँगी जब फिल्म कहे कि मैं इस बार आ रही हूँ आने की तिथि भी तय होती है जन्माष्टमी को आती है और राधाष्टमी को वहाँ छोड़ के आते हैं बोले ठीक है जब क्या बोले मैं जब आऊँगी मुझे सपना दूंगी कि मैं किस परिवार में आ रही हूँ तो वो 4 सीट के मेड़े के रूप में ये मेड़ा जिसे हम मदरा कहते हैं और 2 सीट का होता है बोले मैं उसके रूप में चलती हूँ मैं आऊँगी उसके बाद तो आज भी 4 सीट का मेड़ा ये पता चलते कि इस परिवार में पैदा होगा तो आश्चर्य की बात है जानकी में बड़ा हो सकता शरद पूर्णिमा की रात को सपना आएगा और जब तक उस मेड़े के लिए कुछ मूल्य राजा ना दे दे तब तक राजा कुछ खा नहीं सकता अगर दूसरा चमत्कार होगा वहाँ राजा खाता है तो अगर वो चाय भी पिएगा तो उसको पूरा हो जाएगा जब तक उसका मेड़े का सौदा नहीं हो जाएगा चाहे वो 1 रुपये दे या कुछ भी दे उस परिवार को कहेंगे तो ये आपके यहाँ मेड़ा होगा 4 महीने बाद होगा वो मेरा होगा जब वो मेड़ा होता है तो 4 सीट का ही होता है ये दूसरा चमत्कार तीसरा कोई यात्रा होती है जब मेड़े को अंत में मानसरोवर से अपने पास जाके एक जो हमारी है उसको तो मंदार पर्वत बोलते हैं वहाँ तक जाके छोड़ते हैं तो जैसे बेटी की लड़ाई की जाती है सोना चांदी से ऐसे ही बच्चे मेड़ा अपने ऊपर चला जाता है और बाकी लोग वापस आते हैं जब मैं उस यात्रा में गया तो मैंने इसमें से यात्रा बनाई आपको लेकिन उसमें हमें तो उत्पत्ति स्थल इसमें बीच में एक बेहतर भी बहुत सारा बहुत लोगों को देखा बेहतर ना बेहतर भी पार करना है हमें बीच में बेहतर भी कुछ पड़ा भूख को पड़ा ऐसे बहुत सारे स्थान पड़े जिनको हमने सुना है कि बैतरणी पुल में अगर 7 प्रदक्षिणा लगा के और सूत बांध दिया जाए तो हमारे सारे पुल बच्चों को मोक्ष मिल जाता है वो बैतरणी पाल तो हम वहाँ जब पहुँचे एक जगह जहाँ पर अंतिम आबादी है उस गांव का नाम है बाण वहाँ हमें एक मंदिर मिला बाण 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 वहाँ की आबादी बहुत है पर गांव में बिजली नहीं है सड़क नहीं है हायर सेकेंडरी स्कूल है धूप है
मिडिल स्कूल तीन चार है, बड़ा गांव है, वहाँ एक मंदिर है जो जब माँ महागौरी आती है तो लोग हमने पूछा ये किसका मंदिर है, तो उन्होंने गढ़वाली भाषा में बात की जो बहुत समझ के बात किया समझाया उन्होंने किसान ये जो सामग्री देते हैं ना काठी वगैरह ये वो उनका मतलब मैंने कहा पुजारी जी थे उनसे पूछा तब हमें मालूम पड़ा वहाँ दादू देवता बोलते हैं उनकी भाषा में क्योंकि लाट पर आधा लगा के पैसे वो जो सामग्री दे रहे थे पूरे सब के लाटू देवता का मंदिर है वो केवल से वहाँ आती है देखने के लिए उसकी प्रति बोला जाता है बाकी पूरी पूजा नहीं करता उनका उस कहानी हो गया और उसके लिए बाद में फिर और यात्रा करना जब मुझे बताया फिर मैंने ये सब पुराण वगैरह छाने और उसकी कहानी ये है कि आपको एक कथा याद होगी कि जब विवाह होने वाला था गणेश जी का कार्तिकेय जी का और एक प्रतियोगिता रखी है प्रतियोगिता के लिए कि आप बढ़िया का चक्कर लगा कर जो पहले आएगा उसका विवाह होगा और रंगदार किस बात की है तो बड़ा हुआ बड़ी लड़की है हमारे बहुत सारे कटवा समाज के लोग हम लोग आते कश्यप गोत्र हम लोग आते कश्यप हमारे भी कश्यप देववंशी हम लोग देववंशी हैं अभी शादी के बाद देवर कश्यप बता रहे हैं कश्यप क्षेत्रीय क्षत्रिय हो गया कश्यप चौथे पुत्र का नाम है ना माता का वो हम लोग हैं कहीं ना कहीं गॉड से बहुत टच में कटवे बहुत करीबी है कि विजय भारती जी क्या क्या उपस्थित हैं आप प्रमाणित कर सकते हैं जो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप में बड़ा हूँ अपने आप को कैसे प्रमाणित करूँ विजय भारती जी तो विजय जी प्रमाणित कर सकते हैं मेरे बात की बड़ा मैं तो अपने आप में बड़ा हूँ मैं क्यों बताऊँ अपने काम करते हैं फिर दूसरे माता जी पूरी पृथ्वी सभी देवियों का गंगा भाग सब मेरे वजह से किसी भी देवता की पूजा मेरे कारण हाथ में जन्म ले तो मेरे कारण पूरा जीवन मन चले वो चाहे गर्भदान संस्कार हो कुंचवल संस्कार हो नामकरण संस्कार हो चूड़ामणि संस्कार हो जनेऊ संस्कार हो वैतरणी संस्कार हो भाई संस्कार हो मृत्यु संस्कार के बाद उसका जन्मदिन एक जन्मोत्तर संस्कार होता है उनको हम याद करते हैं कि जिस दिन जन्म लिया था उसकी पूजा की जाए उसका विवाहोत्तर संस्कार होता है वो उसके जैसे विवाह हुआ था उसकी पूजा करने के बाद ऐसे सोलह संस्कार बोले सब चीजें मैं करने वाला पूरी दुनिया मेरे घूम रही है पूरी दुनिया को चलाने वाला मतलब मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा बड़ा तीसरे चले उन्हें अपने और जो उनका वाहन था उन्हें दुनिया के चक्कर में लगाना अरे आप एक दिन हर घर पर सात में आते आता है और चौथा कथा आपको मालूम है वो बने और ये अभिशाप अब मैं रिटर्न आ रहा हूँ
गणेश जी के बिना आपको मंदिर नहीं मिलेगा आपको, पर कार्तिक देव जी के केवल पूरे देश में 3 मंदिर है, वो भी तो गौरी पुत्री है, महादेव की पुत्री है, आप बताइए 3 मंदिर क्यों, जबकि सबसे ज्यादा अयोध्या देवताओं के लिए कार्तिक जी ने लड़े, सब कुछ कार्तिक जी ने किया, आप तक कोई बता सकता है? और 3 मंदिर भी कैसे है, एक मंदिर केवल एक दिन के लिए खुलता है साल में, एक मंदिर 2 दिन के लिए खुलता है साल में, और एक मंदिर है जो कर्णप्रयाग के पास है उत्तराखंड में, जो 12 महीने खुला रहता है, पर वहाँ ऊपर मंदिर घर जाना पड़ता है, इंद्र को बुलाने नहीं मिलता, पंडित जी भी कभी कभार गायब रहते हैं, और कभी पूजा नहीं होती। आप जाइए कार्तिक स्वामी का ही जगह का नाम है। 4th मंदिर मेरी जानकारी के, किसी की जानकारी का वो अलग बात है, जो पुराने मंदिर है मानव के 3 मंदिर है मलेशिया में, एक मलेशिया में है कार्तिक, क्यों अहंकार था, अहंकार के कारण सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद, और यही अहंकार हमारे पूरे जीवन में हमारे ब्लड में आज तक चला। मैं पूरी बात विश्वास लाना चाहता हूँ कि जब हम वहाँ से लौट के आए और हमने भगवान पूजन महागौरी पूजन जहाँ जहाँ शुरू की, यहाँ तक प्रलाद जी बैठे ऐसे नगर से, या यहाँ बालाघाट देखिए, आप मुझे अशोकनगर की स्थिति सन 2000 के पहले और सन 2000 के बाद, या श्रीचंद त्रिवेदी जी से पूछने से कि जहाँ जब तक महामौली पूजन नहीं था सामाजिक स्थिति नहीं जानती, और मैं खुद एक उदाहरण हूँ, हम बहुत पिछड़े परिवार हैं, जो हमें उन्नति मिले अभी तो हमने ढंचा पूजा नहीं, अगर हमने केवल सारी बातों को छोड़ दे एक बात पर ध्यान लगा दिया कि हम वहाँ महामौली पूजा करते हैं विश्वास बात, तो आप ये समझिए कि हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, हम जो एकता की बात कर रहे हैं सरकार में, हम जो उन्नति की बात कर रहे हैं, ये तो आपके चरणों में है, आप एक को मिलाएंगे हजार लोग हैं, आप सोचेंगे कि लोग कल्पना करते ना कि मैं कंपनी से पैसा फाइट करके ये मूर्ति ले लूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं 2 साल से मेडिकल काउंसिल में बैठा हूँ, जब मेडिकल एडमिशन की बात होती तो मेरी जानकारी में नहीं था ये बालाघाट जरूरत है कि हमारे पूरे समाज में डॉक्टर, तो उस साल 16 बच्चे अकेले मदद से देख सकते, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी किया, 16 बच्चे एक साथ मिले, तो अचानक ये ग्राफ कैसे बढ़ गया, IAS IPS अगर हम टेक्नीशियंस की बात करें, हेल्थ यूथ की बात करें, तो एक एक परिवार में आज MD और MS डॉक्टर चर्चा पर नहीं कर रहा, अचानक ये बाढ़ कहाँ से, ये इससे पहले क्यों नहीं था, ये जो हुआ है कहीं ना कहीं जगह ऐसा मानना है कि घरों में थोड़ा सा भी ध्यान लगाया है उनका हो गया, और इस बात की पुष्टि केवल एक गुहा से करता हूँ, आप लोगों ने रामचरित मानस बहुत सुनी होगी, कई बार पारायण चल चुके होंगे, और जब उसी राशि ने रामायण योजना रामचरित मानस योजना सुनी उन्होंने पूरा लोहा रामचरित मानस पर मेरे बिस्लरी ही आना यार, सपने सपने हो साचे हो कोई पर जो हर गौरी पसाओ तो फिर हो जो कहूँ सब भाषा भलति प्रभाव, मैं अर्थ सुना दे रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ जो मैं सपना देख रहा हूँ जो मेरे मैं सपने में आ रहा है तो हे हर गौरी ये गौरी माँ वो पूर्ण हो, और मैं जो कुछ भी लिखूं जो मेरी इस भाषा में आए उसका पूरा प्रयास हो, यानी जब रामचरित मानस उन्होंने लिखी उन्हें एक भी शब्द इसका ऐसा ना निकले, एक भी दोहा या चौपाई ऐसी ना निकले
जिसका प्रभाव ना हो, जो सत्य ना हो। तो आप देखिए रामचरितमानस पर अभी एक सर्च चला, राम अनुगमन मार्ग, रामचरितमानस में जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, राम से किसी लोग मानने के लिए नहीं होते, वो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। श्रीलंका से लेके अयोध्या तक का मार्ग आरक्षित हुआ, जो कुछ भी उसमें लिखा है आज से दूंगा। तो तुलसीदास जी माँ महागौरी को मानकर अपनी लेखनी प्रारंभ करते। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ बाल बाल का, जो सीता जी की वाटिका वाला प्रसंग है, आप सबको मालूम होगा। जय 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 हो राम किशोरी, जय महेश हो, वहाँ से शुरू होता है और अंत में लक्ष्मी जी महाराज अंगेज कृष्ण वहाँ तक आता है और मूर्ति साक्षात प्रकट होने वाली है। जो आपके मन में है मतलब आपको राम जैसे ही राम ही माता का जो प्रसन्न आता है आप बोलिए। जब महाकौली साक्षात लक्ष्मी पिता जी ने वो भी पिता करके अपने मन की बात माता जी सेशन हो रहा भैया, कैमरा वो लगा दें। और जो संगठन हम लोगों ने बनाया है वो किसी के लिए बनाया है, हमारे चंद्रयान के जो पोषण के लिए है, जो उन्होंने प्रयास किया है माँ महामारी के पूजन के लिए, कुछ परिवारों से कुछ राशि करें और उस राशि का उपयोग पूजा और सभी करें, वो उसका एक ऐसा प्रभाव है कि अगर आप खुद दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, खुद नहीं कर पा रहे हैं, आपके परिवार के माध्यम से पूजा हो जाए और हमारा समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा आप पढ़ेगा, क्योंकि समाज की प्रगति तभी संभव है जब व्यक्ति प्रगति करे। व्यक्ति उन्नत होगा तो समाज उन्नत होगा, परिवार में एकता होगा तो समाज में एकता होगा। तो हमारा जो एकता और सत्य का मार्ग है वो माँ महापुरुष के माध्यम से है और उसके लिए ये महासभा प्रयास कर रहे हैं। अगर इससे संबंधित आप कोई और जानकारी या कोई भी प्रश्न हो तो मैं उसके जवाब दूंगा। आपने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बोलो महागौरी मैया की जय।